ये है बागेश्वर धाम सरकार का तीर्थ स्थल। यहाँ लाखों भक्तों का तांता लगा रहता है। कुछ ऐसे भक्त हैं जो बागेश्वर धाम आना चाहते पर वो आ नहीं पाते और आने की योजना बनाते हैं। तो ये आज का यह वीडियो खास उन्हीं भक्तों के लिए है जो बागेश्वर धाम सरकार के पास अपने दुखों को, अपनी समस्याओं को, अपने जीवन की परेशानियों को श्री बालाजी बागेश्वर धाम सरकार के श्री चरणों में अर्पण करने आते हैं। पर एक महत्वपूर्ण बात जो कि बागेश्वर धाम सरकार पर भक्तों के लिए यहाँ नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसे कि गुरुदेव भगवान कहते मांस मदिरा और प्याज लहसुन को छोड़ना पड़ता है और इसी नियमों का पालन भी करना होता है, जिसमें एक ऐसा नियम जो कि बागेश्वर धाम पर ही होता है और वो है बागेश्वर धाम सरकार पर 21 पेशियों का, जिसे हर भक्त को करना अनिवार्य होता है। और वो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बागेश्वर धाम सरकार की किस पेशियों की परिक्रमा स्थल का आज आपको दर्शन करवाएंगे, जो जाने से पहले आपके लिए आसान हो जाएगा कि कैसे आपको बागेश्वर धाम सरकार पर 21 पेशियां करनी है और कहां पर होती है और यह परिक्रमा स्थल कहां है। तो चलिए अब बढ़ते हैं बागेश्वर धाम सरकार के 21 परिक्रमा स्थल की ओर। जब आप बागेश्वर धाम सरकार के सामने होते हैं तो तब यहाँ से गुजरने वाली सड़क ये आम सड़क नहीं होती, यह 21 पेशियों वाली परिक्रमा सड़क, जिसे बागेश्वर धाम सरकार के भक्तों को यहाँ पर 21 पेशियों का नियमों का पालन करना पड़ता है, जो कि यहाँ पर आए दिन लाखों भक्तों को श्री बालाजी बागेश्वर धाम सरकार के दर्शन करने से पहले इसी परिक्रमा स्थल पर ऐसे ही भक्तों की तरह परिक्रमा करनी होती है, जो कि यहाँ भक्तगण अपनी अपनी पेशियों को पूरी श्रद्धा के साथ परिक्रमा कर रहे हैं। टीवी पर, मोबाइल पर कई बार सुना होगा कि बागेश्वर धाम सरकार के श्री चरणों में जब पागलों की अर्जी स्वीकार हो जाती है तो कैसे बागेश्वर धाम पर 21 पेशी करनी होती है, जो कि दिन मंगलवार और शनिवार के दिन ही करनी होती है, जिसमें बागेश्वर धाम कहते आप अपने स्वेच्छा अनुसार हफ्ते में, महीने में, 3 महीने में या फिर 6 महीने में जैसे पेशी कर पाओ वैसे पेशी करो। और वो पेशी प्रारंभ होती है 21 परिक्रमा से, जो कि आज हमने आपको बागेश्वर धाम सरकार तीर्थ स्थल के बगल में ही बनी परिक्रमा केंद्र के दर्शन व अवगत कराया है, जो कि आपके समक्ष हमने इस वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है, ताकि आप जब भी बागेश्वर धाम सरकार घूमने, दर्शन करने या बालाजी के श्री चरणों में, तब आपको यही परिक्रमा करने के बाद बालाजी बागेश्वर धाम के दर्शन करने होंगे। वैसे आप किस राज्य शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया करके हमें कमेंट में जरूर बताएं, और आप आगे भी ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल मिस्टीरियस इंडिया को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करें, ताकि आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।